छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रूह कपकपा देने वाली वारदात सामने आई है। एक 27 साल के युवक की हत्या कर दी गई। कातिल ने युवक को न सिर्फ जान से मार दिया बल्कि उसकी मौत के बाद मृतक के चेहरे से स्किन नोच कर आंखें निकाल ली। इसके बाद इस सुनसान जगह पर लाश को छोड़कर आरोपी भाग गया। रविवार को डीडी नगर इलाके की पुलिस को शव मिला है। हाईवे पर मौजूद कार शोरूम के पीछे हिस्से की खुली जगह पर लाश पड़ी थी। इस जगह से गुजर रहे कुछ लोगों ने शव देखकर फौरन पुलिस को खबर दे दी थी। मरने वाले की पहचान 27 साल के चंदन यादव के रूप में हुई है। चंदन ऑटो चलाने का काम करता था। वह सरोना के भैंस थान इलाके में अपने भाई मनीष यादव के साथ रहता था। चंदन के भाई मनीष ने पुलिस को बताया कि 24 सितंबर को सुबह चंदन ऑटो लेकर काम पर निकला था। रात तक वह घर नहीं लौटा और उसके मोबाइल नंबर पर उससे संपर्क नहीं हुआ। परिवार को लगा कि वह लौट आएगा लेकिन उसकी मौत की खबर आई। पुलिस मनीष को ही घटनास्थल पर लेकर पहुंची। चंदन को पहचान पाना मुश्किल नहीं था। उसके हाथ पर बने ओम का टैटू देखकर मनीष ने पुष्टि करते हुए कहा कि यह उसके भाई की लाश है।